गुड़गांव, गुरुग्राम, गुरु का गांव। तो यहाँ हम किस गुरु की बात कर रहे हैं? गुरु का नाम है द्रोणाचार्य। महाभारत काल में पांडवों के गुरु गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा गुड़गांव और फिर गुरुग्राम। सो आज हम पहुँचे हैं गुरुग्राम रेलवे स्टेशन और मैं आपको इस रेलवे स्टेशन की पूरी जानकारी दूंगा। जो आप राइट साइड के अंदर देख रहे हैं ये है ऑटो स्टैंड और सामने वो जो ब्लू शेड सा नज़र आ रहा है वहाँ पर आप अपनी बाइक या कार को भी पार्क कर सकते हैं। दोनों तरफ पार्किंग है लेफ्ट एंड राइट साइड पे। चलते हैं फटाफट से रेलवे स्टेशन के अंदर। हरियाणा सरकार की ओर से 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम गुड़गांव से गुरुग्राम करने का निर्णय लिया गया। बाद में सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 27 सितंबर 2016 को इसकी घोषणा कर दी थी। ये वाला जो ट्रैक है ये जाता है रेवाड़ी जयपुर और वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ से जयपुर से जो ट्रेन आती है और वो जाती हैं दिल्ली। एक और गुड़गांव रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत कम लोगों को ही पता है, सिर्फ आई थिंक 10% लोग ही ये सब जानते होंगे। गाइस, गुड़गांव का जो रेलवे स्टेशन है वो जंक्शन नहीं है। आपने बहुत सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे जहाँ पर जंक्शन लगता है नाम। कोई भी आप जैसे सपोज़ दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली जंक्शन, रोहतक जंक्शन, रेवाड़ी जंक्शन, पर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के आगे जंक्शन नहीं लगता है। उसका कारण ये है कि गुड़गांव से कोई भी लाइन नहीं कटती है सीधी। को जंक्शन वहाँ पर लगता है गाइस जहाँ पर दो से ज़्यादा लाइनें कहीं की ओर जा रही हों। गुड़गांव से कोई भी कनेक्टिंग नहीं है, या तो सीधा ट्रेन रेवाड़ी की तरफ जाएंगी या फिर ट्रेन दिल्ली की तरफ जाएंगी। आगे एक गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन पड़ता है, वो ज़रूर जंक्शन है क्योंकि वहाँ से फर्रुखनगर के लिए ट्रेन जाती है। आप प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे पहले जंक्शन और विदाउट जंक्शन के बारे में नॉलेज थी या नहीं। ये देखिए, ये है हमारे गुड़गांव रेलवे स्टेशन का बोर्ड, सिंपल गुड़गांव लिखा हुआ है, साथ में जंक्शन वगैरह कुछ नहीं। और अभी आ रही है ट्रेन, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। आई थिंक ये अभी जो टाइम हुआ है वो गरीब रथ का ही टाइम हुआ है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये गरीब रथ एक्सप्रेस होगी। सो फ्रेंड्स, इसी बीच मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि देखिए ऐसे बरसात के मौसम में भी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आया हुआ हूँ। ये ट्रेन आ चुकी है और इसका भी हम नाम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है नाम, ये लिखा हुआ मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस ट्रेन का नाम, जी हाँ, गरीब रथ ही है। दिल्ली सराय रोहिला से चलकर बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र तक जाती है ये। केवल एक मिनट का ही यहाँ पर इसका स्टॉपेज है, एक मिनट के बाद ही ये चल पड़ी। और ये देखिए गाइस, कितना अपग्रेड हो चुका है हमारा गुड़गांव रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक्सेलेटर भी लग चुके हैं। मैं तो 4-5 साल बाद आया हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। और अब हम आ गए हैं दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन पे। यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है डबल डेकर ट्रेन। सो फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ यहीं पर और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ट्रेन की सवारी कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा डबल डेकर ट्रेन अंदर से कैसी दिखाई देती है।
सो गाइज प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए इस डबल डेकर ट्रेन की। बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे एरोप्लेन जैसी। अंदर का सारा सेटिंग पोर्शन वगैरह सब मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।